Hello and welcome. I'm Atika. So this gorgeous woman that I'm going to be talking to, her autobiography is coming soon by Penguin. She is going to be working with Mr. Bachchan, Amitabh Bachchan. Masaba Masaba 2 is coming up very soon on Netflix. Then we have Panchayat on Amazon Prime. Then we have another film with Manoj Bajpayee and so much more. You know, बचपन में आप सुनते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी जनता क्या है. तो नीना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम सेंडिंग आउट अ लॉट ऑफ लव टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कुदरत कर रही है या ये सब पूरा का पूरा आपका किया हुआ है? मैंने ये देखा है जीवन में कि आप किसी चीज के पाने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, कई बार कुदरत वो चीज नहीं दिलाती, कुछ दूसरा दिला देती है. लेकिन अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करते ये सोच के कि मेरा तो ये मिलने नहीं वाला, तो कुदरत आपको वो भी नहीं दिलाती है. सही बात है, है ना. तो कर्म करते जाना चाहिए, लेकिन डेस्टिनी जो आपको दिलवाना चाहती है वो तभी दिलवाती है. बट पीपल हु कीप ऑन ट्राइंग वर्किंग हार्ड विल डेफिनेटली गेट समथिंग. दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो. यू नो 2017 में नीना जी, जब ये आपने इंस्टाग्राम का ये पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला था, यू वुड नॉट बिलीव आई वाज विद दैट पर्सन हु वाज गोइंग टू इंटरव्यू यू. द फर्स्ट इंटरव्यू दैट यू गेव आफ्टर दैट, दैट जर्नलिस्ट वाज विद मी एट दैट टाइम, जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, मे बी इट वाज अ प्रेस शो, मे बी इट वाज अ प्रीव्यू. और उसने बोला कि आपको पता है नीना जी ने क्या किया, इतने प्यार से लिख दिया कि मुझे काम दो. मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों की सबसे बड़ी स्टोरी है. तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, ये तो बहुत ही प्यारी बात है. एंड देन दिस हैपेंड व्हाट हैपेंड. या व्हाट वाज दैट डे लाइक नीना जी? So I realized that day because somebody asked me, "Arey, when did you come to Bombay?" So I realized that people think that I do after my marriage, because my husband is from Delhi. I don't live in Bombay. I live in Delhi and I don't work. मैं सोचती थी क्यों नहीं मुझे काम मिल रहा. तो फिर मुझे ये उस दिन ये realize हुआ और मैं बहुत गुस्से में आ गई, बहुत frustrated हो गई. मैं घर वापस आई और मैंने बिना सोचे समझे ये लिख डाला, because that was the genuine feeling I had in my heart. एंड फिर मैंने कर ले मसावा तुम्हारे ये मुझे जान सकती है क्या, मम्मी यू आर रबिश, यू आर इडियट, व्हाट हैव यू रिटन. एंड देन शी रोट सच अ नाइस इमोशनल थिंग टू दैट पोस्ट. एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट वी हैव टियर्स इन आवर आईज एंड ऑल. आई मीन मैंने, मुझे नहीं मालूम था इसका इतना इफेक्ट होगा. दिल पिघल गए थे, दिल पिघल गए थे नीना जी. मतलब इतना अच्छा लग रहा था. एंड द गर्ल्स वर फीलिंग सो नाइस अबाउट इट. यार क्या बात है. यू नो महात्मा गांधी सेड दैट वेरी जेंटली यू कैन चेंज द वर्ल्ड, एंड दिस मूव ऑफ योर्स वाज सो जेंटल विच चेंज द वर्ल्ड. मतलब आज इंडस्ट्री में लोग अपनी वीकनेस दिखाने से डरते नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ डार्क स्किन, वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिज्म, मे बी इट सेट अ प्रेसिडेंट, यू नो, कि वो एक धीरे से ही बोल दो, एक बात बोल दो मन की. नीरज जी, मैं आपको बचपन से, जाहिर है बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि बचपन से आपको देख रहे हैं. सास जब आता था, मुझे याद है वो दिन, वो सीन याद है जब आपने बाल कटवा लिए थे और छोटे छोटे हो गए थे बाल कट गए कि बाल कट गए. सो यू लाइक यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू ग्रोइंग इयर्स टू, एंड वी हैव क्लोजली फॉलोड योर जर्नी. ये बताएं कि बहुत लंबा सफर आपका रहा और उसमें बहुत सालों तक आपको वो फिल्में नहीं मिली या वो काम नहीं मिला जो आप चाहती थी कि मिले. और अभी हाल ही में एक मूवी आई है सदाकत नंदन, उसका जो टाइटल है उसमें आपके कैरेक्टर का नाम सरदार. ना ये दुनिया भी ना बड़ी फिक्र है. बचपन में सुनते थे कि चने हैं तो दांत नहीं है, दांत है तो चने नहीं है. It is same with me. कि मतलब I could have never imagined now after struggling, waiting, that one film will in the title have my character's name. Actually, it's a very big thing for me. It's a very big thing for me. Why is it a big thing? ऐसा क्या हो गया?
कितने 40 साल गुजारे आपने इंडस्ट्री में, हाँ, ज्यादा? लेकिन मेरे को देखो बधाइयों से पहले मेरे को कोई इतना इम्पोर्टेंट या काइंड ऑफ अ लीड काइंड ऑफ थिंग नहीं मिला, चाहे कमर्शियल हो चाहे आर्ट फिल्म हो। श्याम बेनेगल ने भी कहाँ दिया, छोटे छोटे रोल किए ना, शबाना अस्मिता को जाते थे, दीप्ति को जाते थे, मुझे तो नहीं गया ना। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ तो रहती है ना अंदर। एंड एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ, उस दिन किसी ने बोला, मैंने कहा ओ यस, मेरा नाम, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पर्सन लाइक मी हु हैज ओके, बीन वेटिंग टू गेट अ सब्सटेंशियल रोल, सो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। दे रहा है, लेकिन क्या दुरुस्त है, हाँ क्या दुरुस्त है। ओके नीना जी, आपकी एज ग्रुप में जो आपका आपकी जो जिंदगी रही है, यू आर फ्रॉम लॉरेंस स्कूल सनावर, वहां की लड़कियां मैं जानती हूँ, नो नहीं? नो नो नो, दैट इज माय हस्बैंड। ओ रियली? गलत बट लिखा है विकिपीडिया में, गलत। ऑन इंटरनेट, सो वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग फ्रॉम? दिल्ली, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम विद्या भवन स्कूल, देन आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम जानकी देवी महाविद्यालय, देन आई डिड माय एमए एमफिल फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फ्रॉम दिल्ली, एंड देन आई केम हियर। ओके, सो यू डिड योर, जिस जमाने में लोग लड़कियां एमए भी कर लेती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी, आपने एमए फिर एमफिल किया, वो भी संस्कृत में, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, हल्का फुल्का सब्जेक्ट नहीं है। एंड देन यू वेंट ऑन टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नाउ नीना जी, एक बड़ी प्रॉब्लम लड़कियां फेस करती हैं, दैट प्रेशर टू राइज इन अ वर्ल्ड विच टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म। मतलब मुझे एक होता है ना कि प्रेशर होता है कि नहीं, हम भी बागी, हम भी क्रांतिकारी, हम भी दुनिया बदलेंगे, हम वो करेंगे जो मेरी माँ ने नहीं किया, जो मेरे पहले की औरतों ने नहीं किया। एंड इवन व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, आई फेस दैट प्रेशर, मे बी यू वुड हैव फेस दैट प्रेशर। आई वांट टू आस्क यू, डिड यू फील दैट प्रेशर कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे साथ की दूसरी लड़कियों ने ना किया, दैट लेड टू द चॉइसेस दैट यू मेड? नहीं, क्योंकि मेरी, थैंक गॉड, मेरी मदर उस जमाने में, शी वाज अ डबल एमए हाँ इन संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंस, ओके, शी वाज अ कांग्रेस वर्कर, वो चरखा चलाती थी, वो खादी पहनती थी, वो ज्वेलरी नहीं पहनती थी। हाँ और वैसे तो सीधी सादी, लेकिन यहाँ से कुछ अलग, वो इंग्लिश मूवीज देखती थी, हिंदी मूवीज को दे शू लुक डाउन अपॉन। एंड तब जब मैंने कहा मुझे मूवी में जाना, तो शी वॉज वेरी अपसेट बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू डू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ओके, वाओ, या हाँ दैट वॉज हर ड्रीम फॉर मी। एंड सो मेरी जो आसपास की लड़कियां थी दिल्ली में, उनके परिवार बिल्कुल अलग थे, है ना, बहुत पढ़ी लिखी माए नहीं थी, और परिवार में फादर इज वॉट एवर ही सेज हैज टू बी डन एंड ऑल दैट, लेकिन मेरे घर का माहौल अलग था। उससे क्या हुआ कि मेरे को वो प्रेशर नहीं आया, उससे मुझे सीख ही मिली अपनी माँ को देख के। वी आर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स विच यू विल रीड इन माई बुक विच आई हैव रिवील्ड फर्स्ट टाइम, बट इंटेलेक्चुअली इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। जैसे मेरे माँ बाप रोज सुबह अखबार पढ़ते थे और पढ़ने के बाद न्यूज डिस्कस करते थे, तो हमको भी कुछ ना कुछ सुनाई दे जाता था, यू ये नो, बात हमको नहीं पढ़ते। सो मेरा माहौल उस मामले में बड़ा ऑर्थोडॉक्स था। पढ़ाई की तरफ, एकेडमिक। मैं बीए नहीं, दूसरी तरफ मैं बीए में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, मतलब कॉलेज में, पिक्चर देखने नहीं जा सकती थी, ओ ओके, वो भी था, लेकिन इंटेलेक्चुअली कुछ अलग था। सो इट वॉज अ ग्रेट मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, एंड सो दैट्स हाउ मे बी वाई आई रिबेल्ड एंड आई सेड आई वांट टू डू दिस, सो आई विल डू दिस। बट ये प्रेशर की शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो बच्चे कर लो, वो नहीं था मेरे वो ऊपर। नहीं था, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ यूनिवर्स चोज यू टू चेंज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन राइट नाउ। इट्स एवरीथिंग कनेक्टेड, इफ यू सी, इट्स ऑल कनेक्टेड। व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ प्रोबब्ली हैड अ रीजन, बिकॉज़ इट हैड टू इंपैक्ट आवर लाइव्स इन 2021। नीना जी, आपकी बेटी को मैं देखती हूँ, फॉलो करती हूँ क्लोजली, शी कैन नॉट बी कोकून्ड, शी हैज पर्सनैलिटी विच इज अ वेरी, I don't know if I can call her rebellious. I haven't spent time with her, but I think she's a very on her feet woman. You know, she knows what she's doing. You also gave your hat to a bohemian,
ग्लोबट्रॉटर क्रिकेट लेजेंड सर विवियन रिचर्ड्स. नाउ आपकी जो फिल्म है सरदार का ग्रैंडसन, उसमें आप रहती हैं अमृतसर में, लेकिन दिल लगा हुआ है लाहौर. सो इनवेरेबली बोथ ऑफ यू हैव प्रूव टू बी ग्लोबल सिटीजन नाउ, यू आर वर्ल्ड सिटीजन राइट नाउ. नाउ आप आई तो थी लेकिन दिल्ली से, रहती इस वक्त आप मुंबई में. व्हेन यू गो बैक टू विमेन जो दिल्ली में रहती थी प्रॉबेबली, या जो मिडिल क्लास वुमेन है जो आज भी वही जिंदगियां गुजार रही हैं, हमारी माओ ने गुजारी, आपके साथ ही कई लड़कियों ने गुजारी, वो आपसे क्या कहती थी? शायद उनका ड्रीम में वो मेरे जैसा बनना चाहती हूँ, पर उनके लिए असंभव है. और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं उनसे मिलती हूँ, कैसे रहते हैं, किस प्रकार के ख्यालात हैं, किस प्रकार की सिचुएशन है. वो वुमेन लिव करते, मैं तो कभी विश्वास नहीं करती, क्योंकि देखो उन वुमेन की हालत अब और बदतर हो गई है. पहले तो सिर्फ घर संभालती थी ना, अभी घर भी संभालती है, मेरा डबल करो है, और जूते खाओ ऊपर से, है ना. तो ये सिचुएशन बदली नहीं है, इसलिए मेरा दिल बहुत दुखता है कि मेरा एक्चुअली दिल हमारी वुमेन के लिए बहुत दुखता है, बहुत दुखता है. दे हैव अ वेरी बैड डील. स्पेशली मैं ये बोलती हूँ, इंडिया में या कहीं भी पूरे औरत, और वो भी गरीब का ना पे, इससे बुरा कोई कुछ नहीं है. एंड जितना मर्जी कर लो, ठीक है औरतें काम करने लगी हैं, कमाने लगी हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अब क्या होगा, कमाने लगी है, अभी दे वोंट टेक एनी शिट फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, तो हाउ विल द मैरिज वर्क. डू यू टेक मनी फ्रॉम योर हस्बैंड? यस. पहले तो कुछ नहीं था, फिर बाद में था, ऐसा अरे यू आर माई हस्बैंड, यू आर सपोज्ड टू गिव मी सम मनी, एटलीस्ट लेट मी फील आई हैव अ हस्बैंड, यू नो, मेक मी फील आई हैव अ हस्बैंड. इसे अच्छा अच्छा कितना अचीवमेंट है, कितना भी दे दो. देन नाउ आई स्टार्टेड अर्निंग वेरी वेल. तो उन्होंने बोला, मैंने कहा देखा मुझे इतने पैसे मिले इसके, तो बोला कि मेरे से पैसे क्यों लेती हो. मैंने कहा नहीं नहीं वो मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. मेरा जन्मसिद्ध. एक तो सब्जी के लिए डिस्काउंट के लिए लड़ना, हाँ हाँ, और पत्नी से पैसे लेना, वो अधिकार है. हाँ हाँ हाँ, या वेरी बैड इट इज. या ओके. अच्छा नीना जी बताइए कि आज के जमाने में यू सी ऑल दिस एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन वेब, फिल्म्स, टेलीविजन, यू आर accessing all the global content. आप सोचिए आपके जमाने में अगर आप इतनी बिंदास strong हो सकती थी, strong willed हो सकती थी, given that circumstances that you were in, कि आपकी mother strong है, imagine the dichotomy that young girls of this age are going through. The pressure to look good, the pressure to be cool. Oh, I have a boyfriend. Young girls are going for this cosmetic, lots of operations and all the surgeries that they want to look like the filter that they are using on their mobile phones. It's very difficult to be an 18-year-old girl right now. Yeah, man, very difficult. What do you think? I have gone through that with Masaba. You know, peer pressure and oof, it is very difficult. मतलब कितना stress है बचपन से. इसीलिए बीमार भी पड़ते हैं फिर. हमें तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था 18 साल में. ये स्ट्रेस था कि मम्मी आज ये खाना है, ये स्ट्रेस था कि वो ये नहीं खाओ, रात को दूध पियो नहीं पीना, ये स्ट्रेस था उतना इतना लेवल का. ओके. हमें तो कभी ये था नहीं कि मेरे को सेक्सी दिखना है या मेरे को अच्छा दिखना है, था ही नहीं कुछ. या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टीनेजर्स राइट नाउ. व्हाट डू मदर्स डू, व्हाट डू मदर्स डू इफ दे हैव एन 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड? I think the best thing is to spend more and more time with them. Talk. And I never talked to my mother like how me and Masaba talk. We talk about everything. And also, for a mother, it's a big problem ki kitna seema tak jaane de ya na jaane. Kitna talking, kitna na talking. Kitna, ye to, I used to call up my friends who also had kids like my Masaba's age. I said, "Hey, yaar, Masaba ne ye kiya. You think it's okay?
तो अगर वो मेरी फ्रेंड बोले अरे हाँ मेरी बेटी ने तो इससे भी ज्यादा किया, आई यूज टू बी वेरी हैप्पी कि माय बेबी इज नॉट द ओनली बैड बेबी, देयर आर अदर बैड बेबीज आल्सो, तो सहारा होता है, बिल्कुल बिकॉज यू डोंट नो, यू आर आई एम अलोन विद माय बेबी, आई डोंट नो, पहली बार बुखार हुआ तो मैंने 3 डॉक्टर बुला लिए, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फिर रात को कर्फ्यू कितने बजे तक है कि अच्छा 11 बजे से पहले आना है, 10 बजे से पहले, तो एक दिन हसावा ने मुझे बोला पर मॉम एवरीबडी कम्स फॉर द पार्टीज एट 11 या इन बॉम्बे एट दैट टाइम, सो व्हाई आई गो ओनली, आई विल नॉट गो, सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस टू मेक बिल्कुल फॉर मदर्स, इट्स वेरी बिल्कुल, वेरी टफ, सो टॉकिंग इज द ओनली वे आउट ऑफ इट। या स्पेंडिंग टाइम, या ओके ओके मीना जी, आपकी मूवी सरदार का ग्रैंडसन में आपने कमलजीत जी के साथ काम किया। नाउ अनुराधा पटेल के हस्बैंड हैं, अनुराधा जी खुद अशोक कुमार किशोर कुमार की नतनी हैं। आई रिमेम्बर सांस में कितना खूबसूरत कपल था आपका, वन ही लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल पंजाबी मैन, यू ऑल्सो लुक लाइक दिस वेरी क्विंटेसेंशियल इंडियन वुमन। ले जी बेटा बना लिया आपको आपका इट इज सो फनी, या बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज सी वी आर बोथ प्रोफेशनल एक्टर्स, तो कौन बेटा, आई मीन मैंने अपने से बड़े एक्टर्स उम्र में बड़े की माँ का रोल भी किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आदत हो गई है वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ना, वेन टू पीपल गो थ्रू अ होल गैमेट ऑफ इमोशंस एंड द जर्नी इन दिस, खासतौर से इस इंडस्ट्री में जहाँ पे एक अनप्रडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। क्या सांस के बाद आपका टच रहा था उनसे, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आया था? यहाँ पे ना प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो ही जाता है, बिकॉज यू गो ऑन टू अनदर प्रोजेक्ट अनलेस यू कम बैक टुगेदर फॉर समथिंग, तो मेरा कुकू का अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं कोई दूसरा प्रोजेक्ट अच्छा, जैसे अच्छा मेरा और गजराज राव जी का भी नहीं हुआ, ओके ओके ऑलराइट। या तो इसका मतलब है कि डिस्कनेक्ट रहा एंड देन ही सडनली मेट अप अगेन ऑन द सेट्स ऑफ सरदार का ग्रैंडसन। अभी सोनी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, हाँ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज प्लेइंग माय बहू, सो इट्स एक्चुअली ओ गॉड या यस, या शी इज अ कमलजीत वाइफ, कंटेम्पररीज हैं आप, पड़ोसी भी हैं मेरे ख्याल से, दे लिव क्लोज बाय। हाँ, वी मीट एवरी डे ऑलमोस्ट, अब जो लॉकडाउन से पहले वी गो टू द बीच फॉर वॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सो या ओके नीना जी, टेल मी, आपकी थिएटर कंपनी भी रही है, यू हैव डायरेक्टेड टीवी शोज, यू हैव होस्टेड टीवी शोज, यू हैव एक्टेड इन फिल्म्स, पूरा एक गैमुट ऑफ आपने व्हाट ऑल यू कैन डू इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स यू हैव डन इट। यू मैरिड अराउंड 50, यू बीन अ सिंगल मदर, यू आर नाउ सीइंग द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज इट दैट यू रिग्रेट नॉट हैविंग? वन मोर चाइल्ड, वन मोर रियली? चाइल्ड, या बिकॉज आई फील दैट आफ्टर आई गो मसाबा वुड बी अलोन, सो अ चाइल्ड शुड हैव अ सिबलिंग, How sweet. And I read somewhere that Satish Kaushik ji wanted, he said, he just offered to you, ki, he's too cute, you're my friend, let me marry you, and then to be like a family, all of us. yeah. तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपने हाँ क्यों नहीं किया? मुझे जरूरत नहीं थी किसी की, मैं इतना कमा सकती हूँ और कि मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ खुद, इतना मुझ में दम है, ये मुझे हमेशा पता था, मैं कोई भी काम को छोटा नहीं समझती, आई आई यूज टू डू मेक भरता, प्रहलाद कक्कर्स कैफे इन पृथ्वी, आई यूज टू गेट अ फ्री डिनर, पैसे मांगने या कोई भी इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मैं नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं खुद कर सकती हूँ, एंड व्हाई शुड ही सफर, अगर मैं नहीं कर सकती होती तो मैं उसको बोलती हाँ तू मेरी मदद कर, लेकिन उसके भी तो तकलीफ होगी ना, वो भी तो मे बी ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू समबडी लाइक ही डिड, सो अगर मैं डेस्परेट होती तो मैं उसकी हेल्प ले लेती, पर मैं डेस्परेट नहीं थी, आपके दोस्त कौन रहे हैं पिछले 30 सालों में, गहरे दोस्त? दीपक केजरीवाल, सोनी, देन आई हैव अ गैंग ऑफ 3 गर्ल्स, सोनी, शालिनी हुज अ डेंटिस्ट, देन सागरी हुज अ टीचर, एंड मी, वी आर अ गैंग, एंड देन आई हैव अ फ्रेंड अनुरंजन हु डज टीवी आई शो, डोंट
And Masaba is my best friend, obviously. Who else I meet? Then my husband's family has also become the bhabis and cousins, very good friends of mine. We go out for holidays together. We keep in touch. He has a huge family. So all his cousins, cousins' wives, his sisters, both the sisters, we are very close. One lives in America, one lives here. And they are very close friends of mine. So I have people. So God gave you a good cushion setup. Yeah. आप मुझे आपकी एक्टिंग टेक्निक के बारे में बात करनी है रीना जी. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपके साथ के जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो एनएसडी से भी निकले हैं, एफटीआईआई से भी निकले हैं, वो भी आज भी 30 साल एक्टिंग करने के बाद भी थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं. आंखों में वो थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट देंगे, बॉडी में थोड़ा एक्स्ट्रा पोस्चर देंगे. आप नहीं देती हैं, चाहे वो मसाबा हो, चाहे वो बधाई हो, चाहे वो सांस हो, चाहे वो सरदार का ग्रैंडसन हो. मोस्टली वेरी नेचुरल. यू डोंट ओवरप्ले इट. यू डोंट इवन ओवरप्ले इट. यू डोंट इवन गो इवन वन इंच अबव व्हाट यू थिंक इज राइट. ये डेलिबरेट है? डेलिबरेट तो नहीं कह सकते, बट दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग हाउ टू परफॉर्म. आई हैव कम टू अ कंक्लूजन. एक्चुअली दो चीजें चाहिए. You should mean the line you are saying. You should listen to the other actor, what he's saying. So you react. Two things. सबसे इजी है और यही है बस. प्रॉब्लम कहाँ आती है? We lose concentration. जैसे मैं किताब का पूरा पन्ना पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं पढ़ती नहीं हूँ. हम सब करते हैं ऐसे, पढ़ लेते हैं पर हमारा दिमाग ध्यान कहीं और होता है. तो when where you go wrong when you lose concentration, when you lose concentration you are thinking of something else, maybe a food or maybe your relationship, and you are speaking the lines. So ek purana actor na wo bhi average nikal leta hai. Wo nikal jata hai, lagta hai ki aap acha acting kar rahe hai par wo nikal jata hai. But asli cheez wahi hoti hai jab aap wo wahan rahe aur just mean your line. I'll give you an example. When I was doing Choli Ke Piche, so Subhash ji ne mujhe bola, unko bahut pasand nahi aaya jo main kar rahi thi shuru mein, dance mein jo kar rahi thi lip sync. Then he came and told me one thing. He says, this is not gaana nahi hai tumko ye. You have to mean the line what you are singing. And that helped me so much. When I'm saying चोली के पीछे क्या है, आई एम एक्चुअली आस्किंग क्या है. सो ही टॉट मी दैट. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली आर्ट्स इज लाइफ टू यू. या यू डोंट ऐड एनी इंग्रेडिएंट, इट्स जस्ट लाइफ द वे यू आर लिविंग राइट नाउ. यू डू इट इन योर ऑन योर सेट. या ओके. और कोई ऐसा गाना है जो आपकी जिंदगी को, आपके सफर को समराइज करता हूं? मेरा फेवरेट गाना है वो तो समराइज नहीं करेगा, पर मेरा फेवरेट गाना है अब के बरस भेज भैया को बाबू गई है गाऊं. इतना अच्छा गाती नहीं, थोड़ी बेसुरी हो जाती हूँ. अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन मैंने जो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो सनेसा भिजाई रे. अब के बरस भेज भैया को बाबुल. इट्स माय फेवरेट सॉन्ग. यू आर द वंडर वुमन ऑफ इंडिया नीना जी. लॉट्स ऑफ लव टू यू. और वो गाना जो आपके ऊपर बहुत अच्छा जमता है वो ये है,
जिंदगी का साथ निभाती चली गई। नहीं वो भी अच्छा है, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोली। क्या थी इसकी लाइन, हम है राही प्यार के, हमसे जो कुछ भी ना प्यार बोली, से जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोली, दर्द भी हमें कबूल, जय तो भी हमें कबूल, बोल हमने हर तरह की हार के फूल में पिरो दो लिया। लिए। क्या बात है, क्या खूबसूरत औरत हैं आप। थैंक यू नीना जी फॉर बीइंग द वे यू आर, एंड मोर पावर टू यू, लॉट ऑफ थैंक फिजिकल इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू यू, सेंडिंग योर वे। यू सो मच।